हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेंटर्स व्लॉग। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस आर्ट के बारे में जिसे सीखे बिना कोई भी इंसान शोहरत की बुलंदियों तक पहुँच नहीं सकता। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस संसार में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनमें एक चीज तो कॉमन थी, वो थी उनकी फोकस करने की पावर। बिना फोकस किए ना ब्रूसली, ना बिल गेट्स, ना स्टीव जॉब्स कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। बदकिस्मती से ये जो स्किल है फोकस करने की, ये स्कूलों में जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ नहीं सिखाया जाता। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंसान फोकस करना कैसे सीख सकता है। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, कोई काम करना सीखते हैं, कंपनी में जॉब करना सीखते हैं, पढ़ाई लिखाई, कोई प्रैक्टिकल, जैसे सब चीज़ें सीखते हैं, उसी तरह से फोकस करना भी सीखना पड़ता है। ये इनबॉर्न नहीं होता, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। जिनमें नहीं होता उनको तो जरूरत पड़ेगी ही इसे डेवलप करने की। फ्रेंड्स, फोकस करने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएं, सोचना बंद कर दें और जो दिख रहा है सिर्फ उसी को देखें, जो हो रहा है सिर्फ उसी के हिसाब से रिएक्ट करें, ऐसा नहीं होता। फोकस करने का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं सिर्फ उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में रिसर्च एनालाइज करें, उसी वक्त पे उससे जुड़ी हुई जो डेटा आपको मिल रही हैं, कोई कि आपके काम से जुड़ा हुआ आपको कुछ कह रहा है तो आप तुरंत उसे कैप्चर कर लें। मतलब कि आप इतने अवेयर हैं कि अगर आप किसी काम में लगे हुए हैं तो उससे जुड़े हुए हर फैक्ट को आप फौरन ही कैप्चर कर लें, इस हद तक आपका फोकस हो। यानी कि इसका यह मतलब नहीं है कि आपका माइंड कुछ सोच नहीं रहा है। ऐसा अगर होता तो फिर दुनिया में इतना जो परिवर्तन हुआ टेक्नोलॉजी में वैसा नहीं हो पाता। इंसान का ब्रेन सोचने के लिए तो बना ही है, लेकिन क्या सोचना है, कब सोचना है, ये हमको इसलिए हमको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। हम किसी काम में लगे हुए हैं तो सिर्फ उसी के बारे में हम सोचें, उसी के बारे में डिसीजंस लें, उसी से जुड़ी हुई प्लानिंग करें और उसी को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करें ताकि उसका रिजल्ट मिल सके। ये फोकस करने का असल मतलब है। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जो इस फोकस के आर्ट को सीखने के लिए बहुत जरूरी है। तो पहला रूल है कि आप अपने जीवन में छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, अपनी इस आर्ट को बढ़ाने के लिए, अपनी इस स्किल को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। हर कोई इंसान इतना जुड़े नहीं होता कि एक दिन उसकी आँख खुली अगले दिन से वो रोज एक घंटा मेडिटेशन कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और वो धीरे धीरे करके आपकी हैबिट में आ जाएगा, फिर आप उसे एक्सपांड कर देंगे उस टाइम लिमिट, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये था पहला नियम। अब चलिए दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम बहुत जरूरी है और ये है कि आपको अपने मन को शांत रखना है। गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, दूसरे की तरक्की से तकलीफ, दूसरे को परेशान करने में मजा आना, ताने कसना, ये सब बातें जो हैं, डिप्रेशन, परेशानी, नेगेटिव लोगों की संगत में रहना, उन लोगों की संगत में रहना जो आपको तकलीफ देते हैं बातों बातों में, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। ये सब आपको कुछ देने नहीं वाला, बल्कि एक उल्टा आपकी लाइफ का नुकसान हो जाएगा। नेगेटिव न्यूज़ मत देखिए, बस पॉजिटिव चीज़ें देखते रहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अब तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नियम है कि अपने लाइफ में कुछ गोल सेट कीजिए, कुछ जुनून पैदा कीजिए, कुछ चाहने की इच्छा रखिए, किसी मुकाम को हासिल करने की इच्छा रखिए। तो ये आपके मन में अनवांटेड थॉट्स को रिप्लेस कर देगा और वांटेड थॉट्स को ले आएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर इंसान जो कि सकारात्मक सोचता है, कुछ पाने की इच्छा रखता है, सिर्फ उसी के बारे में सोचता है, वो एक ना एक दिन कुछ स्टेप्स लेता है और उसे उस चीज को हासिल कर लेता है। तो अब चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नियम है कि आप अपने बॉडी को फिट रखिए, रोज एक्सरसाइज कीजिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10-15 मिनट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर लीजिए या फिर 30 मिनट योगा प्राणायाम तो आप करिए ही। ज़्यादा पानी पीजिए, आपका मेटाबॉलिज्म इससे बना रहेगा, आपको लेजीनेस छू नहीं पाएगी। ना कम सोइए ना ज़्यादा सोइए, दोनों ही हानिकारक है, जितना सोना चाहिए उतना सोइए। ना कम खाइए ना हद से ज़्यादा खाइए, हद से ज़्यादा बेकार का खाना जंक फूड मत खाइए, थोड़ा बहुत टेस्ट बनने के लिए आप खा सकते हैं, हद से ज़्यादा मत खाइए। भूख ना हो तो बिल्कुल कुछ मत खाइए, जो भी खाइए आप अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, आप फिट रहिए। अपने बॉडी को फिट रखना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ा धन निरोगी काया ही होती है, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है। तो अब फिफ्थ रूल की तरफ बढ़ते हैं और फिफ्थ रूल है कि आप अपनी विल पावर को बढ़ाइए। आपकी विल पावर आपको इन सब रूल्स को फॉलो करने में मदद करेंगी और विल पावर के लिए मैं एक्सरसाइजेस बताऊंगा,
फोकस के लिए भी बताऊंगा, तो विल पावर का होना बहुत जरूरी है। अब छठवां और अंतिम नियम है कि आप पेशेंस रखिए। ये सब जो रूल्स हैं, ये सब जो एक्सरसाइज हैं, वो आपको जिंदगी भर करनी है। ऐसा नहीं है कि एक साल किए, रिजल्ट मिला, उसके बाद छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता। ये हैबिट की बात है, हैबिट बनाइए इन सब चीज़ों को, आपको रिजल्ट मिलेगा, धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलने लगेगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए कि ये सब चीज़ें फ़ायदा नहीं देती, फ़ायदा देती हैं। हर बड़ा आदमी, स्टीव जॉब्स हो, बिल गेट्स हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जी हो, सब मेडिटेशन करते हैं, फ़ायदा होता है। तो नेगेटिव मत सोचिए, आपको फ़ायदा मिलेगा, बस आप रूल्स को फॉलो करते रहिए और एक्सरसाइजेस को फॉलो करते रहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको उन एक्सरसाइजेस के बारे में बताता हूँ जो आपको फोकस करने में हेल्प करेंगी, या यूँ कह लें कि ये रामबाण एक्सरसाइजेस हैं। इससे आपका अटेंशन स्पान, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो पहला जाना माना उपाय है मेडिटेशन। मेडिटेशन कई तरह के होते हैं, आप सीख सकते हैं किसी टीचर से, किसी योग गुरु से, या आप टीवी देख करके, चैनल्स में आता है योग प्राणायाम के चैनल्स में आता है, यूट्यूब वीडियो देख करके आप मेडिटेशन करना सीख लीजिए। और मेडिटेशन के वक्त मेडिटेशन करिए, ऐसा नहीं है कि पोजीशन लेकर के बैठ जाना है और मन में कुछ कुछ चल रहा है। कोशिश करिए कि आपका जो ध्यान है वो सांसों की तरफ जाए। शुरू में डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन बाद में आदत पड़ जाएगी। और भूलिएगा मत, 5-5 मिनट से लेकर के इसे बढ़ाते जाना है। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन किया एक घंटा, अगले दिन किया आधा घंटा, फिर बैठ गए, ऐसा नहीं करना। दूसरा एक्सरसाइज है त्राटक। त्राटक एक तरह का प्राणायाम है और बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। ये थोड़ा तकलीफ दे होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। और इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि इससे आपका विल पावर बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, आपका मेंटल पावर बढ़ेगा, ये बहुत ही आपका विल पावर भी बढ़ेगा। ये बहुत ही कमाल का प्राणायाम है, त्राटक प्राणायाम। इसे आप किसी योग गुरु के हेल्प से सीखें तो अच्छा होगा, किसी टीचर के दम पे सीखें तो अच्छा होगा। तीसरा उपाय है गेजिंग। अगर आप मेडिटेशन या फिर त्राटक की पोजीशन में नहीं बैठ सकते, तो किसी ऑब्जेक्ट को ले लीजिए और उसे गेज करिए, उसे देखते रहिए, बिना इधर उधर आंखों को हिलाए आप सिर्फ उसे देखते रहिए। एक मिनट देखिए, दो मिनट देखिए, धीरे धीरे इस लिमिट को एक्सपांड करिए। तो गेजिंग एक और उपाय है। चौथा एक्सरसाइज है, ये मेरा फेवरेट है और ये बहुत बड़े बड़े अरबपतियों का भी फेवरेट है, ये है रीडिंग। एक पैराग्राफ से शुरू कीजिए और धीरे धीरे उसे 500 पेज पर वीक तक ले जाइए। बिल गेट्स 500 पेज पर वीक तक आज भी रीडिंग कर रहे हैं, और जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, क्लियरली कहते हैं कि हमने जो बिजनेस स्किल्स हासिल की हैं, रीडिंग की वजह से हासिल की हैं, हम बहुत पढ़ते हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है फोकस को बढ़ाने के लिए। आप एक पैराग्राफ से शुरू कीजिए, ऐसा नहीं कहूंगा कि आप एक दिन में एक पेज पढ़ लीजिए, मुझे पता है कि आप रुक जाएंगे। एक पैराग्राफ से शुरू करिए, वो धीरे धीरे हैबिट बनेगा और हैबिट आपकी फिर थ्रू आउट द लाइफ चल रहेगी, तो आप भी पहुंच जाओगे उस लेवल तक। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सॉल्यूशंस, रामबाण सॉल्यूशंस हैं ये। कोई दवाई काम नहीं आएगी फोकस बढ़ाने के लिए, कोई सजेस्ट कर रहा है, कोई दवाई बेच रहा है, झूठ है, सब झूठ है। फोकस के लिए कोई दवाई नहीं होती, आपको ये सब करना पड़ेगा, ये सब रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये सब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी आपका फोकस बढ़ पाएगा। और सक्सेस विदाउट फोकस नेक्स्ट इम्पॉसिबल, ये बात याद रखिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये बेल आइकन जो है, इसे दबाना ना भूलें, बहुत जरूरी है। थैंक यू, सी यू अगेन।